हेलो फ्रेंड्स, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर मेगा बजट मूवी ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर सच में काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म में काम कर रहे सभी कास्ट के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। अब आप सबको तो पता ही है कि आजकल साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने हर जगह अपना दबदबा सा बनाकर रखा है, तो इंडस्ट्री ये जरूर चाहेंगी कि ये फिल्म कोई ना कोई बड़ा कमाल जरूर करे। अब बात करें फिल्म की, तो इस फिल्म को बनाने में ही 10 साल लग गए। जी हाँ, डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस प्रोजेक्ट पर ये जवानी है दीवानी के रैपअप होने के बाद से ही काम शुरू कर दिया था। 6 साल इस स्क्रिप्ट पर काम करने के बाद इस फिल्म पर भी काम करना शुरू हो गए थे, लेकिन कोविड के कारण ये फिल्म 2 साल तक अटकी रही। लेकिन अब जाकर फिल्म कहीं कंप्लीट हो पाई है और अभी इस फिल्म के 2 पार्ट्स और शूट होंगे। मतलब ये फिल्म एक ट्रायलॉजी फिल्म होगी और इस पार्ट को शिवा पार्ट 1 बताया गया है। बात करें अगर स्टोरी की, तो ये फिल्म हिंदू भगवानों के वेपन्स यानी कि शस्त्रों पर बेस्ड है। पुराणों में ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन होता था जो अचूक होता था। अगर ये शस्त्र किसी पर साथ दिया जाता था तो बिना प्रहार किए ये रुकता नहीं था। इस फिल्म में रणवीर कपूर अग्नि शस्त्र बने हैं जिसका नाम शिवा है, और अमिताभ इस ट्रेलर में ये भी बताते हैं कि रणवीर शस्त्रों और ब्रह्मास्त्र से अभी अनजान है। वहीं इस फिल्म में जलवायु को भी दूसरे एक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट ईशा नाम की कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आएंगी। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि वे रणवीर कपूर को अपने शक्तियों के बारे में बतलाने यानी कि एक मेंटोर या फिर गुरु के रोल में नजर आएंगे। वहीं नागार्जुना को देखकर यह लग रहा है कि उनका फिल्म में नेगेटिव रोल है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है। वहीं मोनी रॉय को देखकर यह लग रहा है कि उनका कैरेक्टर एवेंजर्स की स्कारलेट विच से इंस्पायर्ड है, वो भी इस अस्त्र को पाना चाहती है। इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर है जिनके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें जो शख्स नज़र आ रहा है वे और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान है, जिनका इस फिल्म में एक कैमियो रोल है। और फिल्म के VFX की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कुल मिलाकर अयान मुखर्जी की ये मूवी काफ़ी अच्छी और प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। अब फिल्म के बस रिलीज़ का इंतज़ार है, जब दर्शक इस एक्सपेंसिव मूवी का आनंद ले पाएंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।